सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से, चलिए ठीक राजी। कहा लाडवा जा रहे हैं सर आप लाडवा से चुनाव? नहीं, किसने कहा ये? मोहन लाल बडोली ने कहा आज शाम को। नहीं कहा, दिल्ली में नहीं कहा। मेरा बाइट है सर, क्या है? बोल दिया उन्होंने कि आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, मोहन लाल बडोली ने। हाँ जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, उसको जानकारी मेरे से ज्यादा है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हमारे जो प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था सभी ने, हमने उसको एक सूचीबद्ध करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने सभी जो बायोडाटा आए थे उन बायोडाटा के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताने का हमने काम किया है। अगला निर्णय वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, वो जो निर्णय भी देंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हमारे बीच में कमल का फूल लेकर के आएगा। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से सभी मिलकर के उस कमल के फूल को खिलाने का काम करें, ताकि हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को और छू सके। करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा, कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से है, जहां पर हम आपको बताएं कि आज दो अलग अलग खबरें आती हैं। पहली खबर आई शाम को दिल्ली में, जहां पर बीजेपी की स्क्रीनिंग कमेटी की जो है मीटिंग थी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने यह साफ कर दिया कि जो नायब सिंह सैनी है, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि नायब सिंह सैनी जो सीएम है वो क्या वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, लाडवा से वह चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद वो खबरें चली, सभी चैनल्स पर ब्रेकिंग चली। और उसके बाद आज शाम को जब सीएम करनाल में रोड शो करने आए थे, उनसे भी जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि क्या आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे या करनाल से लड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का बयान ये था कि आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा किसने कहा आपको, मैं तो करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। उनका कहने का मतलब यह था कि मैं सभी जगहों से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उस बयान को वो खुलकर शायद उस दौरान नहीं बता पाए, क्योंकि रोड शो में निकल रहे थे, भीड़ काफी ज्यादा थी। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए जो सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे जगमोहन आनंद जी, जो सीनियर भाजपा नेता है, वो हमारे साथ मौजूद है। जगमोहन जी, इस बात को कैसे स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि सीएम नायब सैनी के मुंह से निकल गया कि वह करनाल से चुनाव लड़ेंगे, वो क्यों उन्होंने कहा और क्या कहने का उनका तात्पर्य था? देखिए, अभी आपके जो यहाँ करनाल से रोड शो समाप्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री सड़क मार्ग द्वारा चंडीगढ़ गए, रास्ते में जिस पर उनको जब ये बयान इस प्रकार के उनके अपना साथियों ने जो गाड़ी में बैठे थे उनके पीए ने दिखाए होंगे, तो जब वो चीज़ थे तो वो एकदम अवाक रह गए। तो उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की कि ये किस प्रकार के बयान आ रहे हैं, तो फिर बयान के आप लोगों मीडिया के साथियों का मैंने उनको फिर एक क्लिपिंग भेजी, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बयान नहीं, ये विरोधाभास बयान है और इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, हो सकता है विपक्षी दलों ने भी इसको अपना तोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू कर दिया हो। तो उस नाते से फिर उनका मेरे को स्पेशल टेलीफोन आया कि आप इस बयान का अभी अपना जो सा है इस बयान की स्पष्टता मीडिया के साथियों को बुला करके अभी दीजिए। तो मैंने पूछा माननीय मुख्यमंत्री आप वहाँ चंडीगढ़ जा करके देंगे या मैं करनाल में दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप करनाल में मेरी तरफ से आप जो सा वो बयान अपना मीडिया में जारी करें कि मैं जो सा मेरे कहने का जो भाव था। एक उन्होंने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाई आपको किसने कहा, तो उन्होंने कहा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मीडिया के साथियों ने कहा, तो उन्होंने कहा उनको मेरे से ज़्यादा पता है और उनको उन्होंने अगर उन्होंने कहा तो हमने तो सूचीबद्ध करके उनको अपना बायोडाटा दे दिए, आगे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। उस बयान का जो जितना वो बयान था उसका विरोधाभास वहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जब पत्रकार साथियों ने पूछा कि भाई आप करनाल से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। करनाल से ही चुनाव लड़ने का मतलब उनके कहने का जो भाव था कि 90 की 90 विधानसभाओं पर नायब सैनी चुनाव लड़ रहा है, नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो कहने का भाव था कि 90 की 90 विधानसभा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 90 की 90 विधानसभा में कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। तो मैं नहीं समझता इस बयान को आगे कोई मतलब तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए या इसका कोई और मतलब निकाला जाए, यह विरोधाभास यही समाप्त हो गया। क्लियर उन्होंने कर दिया कि करनाल से वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह की जानकारी। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि उन्होंने 90 की 90 विधानसभा में कहा, मैंने क्या कहा पार्लियामेंट्री, उन्होंने एक बात और कही कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से कैसे चुनाव लड़ेगा। उस बयान के ऊपर जो जितने शब्द उन्होंने कहे वो बयान मैंने आपको दिया कि उनका कहने का भाव था कि 90 की 90 विधानसभा में, क्योंकि लाडवा वर्सेज करनाल की बात थी, तो तब उन्होंने ये बयान दिया कि 90 की 90 विधानसभा में मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बात में कुछ विरोधाभास आ गया, कुछ गैप हो गया, हालांकि उन्होंने बोला यही था कि वह करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
उस समय क्या कुछ हालात रहे, क्योंकि रोड शो निकाल रहे थे, चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद वो खबर जो चली थी कि करनाल से ही वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस बात का खंडन करने के लिए आप देख सकते हैं इस समय जो सीनियर भाजपा नेता है जगमोहन आनंद, उन्होंने इस चीज को स्पष्ट कर दिया है। पार्लियामेंट बोर्ड जो है फैसला करेगा कि कहां से वह चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया है कि वह लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो चर्चाएं इसी तरह की है कि वह लाडवा से ही अब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बात का भी खंडन अब हो चुका है कि करनाल से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।